I would like to wish Priyank a very, very happy birthday and lots of success. He deserves it, I know it. And बहुत potential है उसमें. अभी तक उसने अपना dance का जो हुनर है वो अभी तक दिखाया नहीं है लोगों को. And I'm waiting for Priyank and I always tell him कि जिस दिन तुम किसी dance reality show में participate करोगे उस दिन बुरी तो पता नहीं, बुरी मुझे कुछ नहीं लगता है, बुरा बिल्कुल नहीं लगता है उनके बारे में. इनफैक्ट आई थिंक एक अच्छी बात है, एक अच्छी क्वालिटी है प्रियांक में कि ही नोज़ हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ही नोज़ हाउ टू कीप फ्रेंडशिप्स. एंड दो साल पहले हम लोग ऑलमोस्ट एक शो करने वाले थे राधा कृष्ण एंड इट डिडंट हैपन, बट वी स्टिल केप्ट इन टच एंड वी टू ऑलवेज से कि एक दिन काम करेंगे. और फिर लाल इश्क में अभी फिलहाल अभी हाल ही में जो हुआ था लाल इश्क, वी गॉट द चांस टू वर्क अगेन टुगेदर एंड इट वॉज लाइक ग्रेट बिकॉज फ्रेंड्स वर वर्किंग टुगेदर. सो या आई हाय ओके आई डोंट लाइक दैट सॉन्ग बार बार दिन ये आए तो मैं सोच रही मैं क्या गाऊँ. ओके ओके आई जस्ट सिंग द हैप्पी बर्थडे. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Pri, happy birthday to you, yeah. Actually, अगर मौका मिलता तो मैं कुछ अलग से स्टाइल ड्रेस करती. I think इन्होंने लाइट ही ऑफ कर दिया है. ठीक है आई थिंक मौका मिलता तो मैं अलग से ड्रेस करती, पर आज का थीम हिप हॉप था. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिकॉज हिप हॉप इज़ अ वेरी कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअल लुक. सो एंड दिस बीइंग अ बर्थडे पार्टी मैं और कन्फ्यूज थी, हिप हॉप और कैजुअल बर्थडे पार्टी. बट देन आई थिंक आई एम लाइक ड्रेस कूल एंड कैजुअल मिक्स टुगेदर. शूज है, ड्रेस है, लाइक आई बिलीव इन लुकिंग गर्ली एंड आई थिंक आई गॉट दैट लुक. तुम लोग क्या बोलोगे? सेम टू यू बोलो ना. आज टू मौके, टू बर्थडेज टुगेदर. भाभी बहुत बता. बस नथिंग यार, जस्ट गेम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 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 मेरे पास मेरी सबसे क्यूट बेबी है और इसका बर्थडे है. हम कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम जब मैंने इनको पिक किया दोबारा से तो इन्होंने मुझे उठाया कि उठ जाओ, आज भी मेरा बर्थडे है. तो मैंने कहा ओके ओके ओके. मैं उठाऊँगी. हम सुबह 7 बजे तक पार्टी कर रहे थे, 7:30. सुयश मैं हम सब यू नो फुल ऑन पार्टी मूड में थे. सो
अब इनका पार्टी बाकी है, यहाँ से बाद हम फिर कहीं प्लान करेंगे हम निकलने के लिए। सो वेटिंग, मैं तो मिशन के बर्थडे की वेट करता हूँ, क्योंकि अपने बर्थडे का कोई वेट नहीं करता, सिर्फ आई वेट फॉर हिज बर्थडे। यू नो यू आर मोर रिलैक्स्ड व्हेन इट्स योर बर्थडे एंड यू नो आपको कुछ नहीं करना है, बट व्हेन यू हैव योर स्पेशल वन इन योर लाइफ देन यू प्लान मोर, यू नो यू थिंक कि हाँ कुछ ऐसा करते हैं वैसा, इट्स मोर एक्साइटिंग, आई रियली एंजॉय। सो आई एम वेटिंग फॉर हिज बर्थडे एंड दिस टाइम इट्स गोना बी वेरी वेरी स्पेशल। या He himself is a gift. So I don't think so I can ever ask better than this gift. But anyways, he's always keep on pampering me. मेरे को लगता है कि birthday. Yes, to surprise party. पर birthday में ही सिर्फ एक gift देने का बहाना होता है वो, तो मैं तो वैसे भी जब मेरा मन करता है तो मैं इनके लिए shop करता हूँ और मैं इनको चीज़ें ला के देता रहता हूँ, बिकॉज वो मेरी खुशी है। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है इससे कि जब मैं इसको present देता हूँ। Yeah, but yeah. आज मेरे का बर्थडे, आज ये दोनों डांस करेंगे, हम सिर्फ बैठ के देखेंगे। आज हिप हॉप थीम है वैसे भी, आई ट्राई बट लाइक नो, मैं तो या मैं मैंने कुछ पहले मैं सोचा कि मैं हिप हॉप कर रहा हूं, मैंने मेरा हिप हॉप से क्या काम, मैं पंजाबी हूं भाई, मैं भंगड़ा मामा, मैं तो कुछ नहीं डाल दूंगा। हिप हॉप कभी पंजाबी हिप हॉप चलेगा उसमें क्या, कोई बात नहीं, मैं सुरेश को फोन करता हूं, कुछ मूवी वगैरह ले आ, वो सब पंजाबी चलता है, पहले हिप हॉप चलेगा बट कुछ घंटों बाद सब देसी बनने वाले हैं एज ऑलवेज। अच्छा मतलब हर चीज़ मैं ही करूँ, मैं पैसे लेता हूँ हर चीज़ करने के। अच्छा अच्छा, कम ऑन प्रिंस भाई, बताओ भाई कोई गाना बर्थडे का। ओ हम बचपन सुनते नहीं आए, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता, जो मैं का प्रियंक खाने को मिलता केक और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने अभी बात करी कि मैं भगवान से विश करता हूँ कि नया साल इनके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आए, बहुत सारा काम लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि एक्टर हमेशा काम के लिए जाना जाता है और उसको उसी की ज़रूरत होती है। सो इनका हर बर्थडे, आने वाले जितने भी बर्थडे हैं वो सारे काम पर निकले हैं, हम ऐसे ही खुश रहें और हमारी फैमिलीज खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। चले अंदर, नाम बहुत पी आर आई सेम है भाई, चलेगा। थैंक यू, वही आएगा जिंदगी भर। हाँ जी बेटा, अभी बता दो। हाँ आई थिंक हम लास्ट टाइम भी खड़े हुए थे सब लोग, लास्ट टाइम यार विकास के बर्थडे भी ऐसे तीनों खड़े हुए थे। हां एग्जैक्टली, मेरे बर्थडे के साथ साथ सब लोग मुझे बोल रहे हैप्पी बर्थडे प्रिंस। एक्चुअली कल केक पे भी प्रिंस ही लिखा था, मतलब ऊपर वो लगाया था। भाई याद की सब बात यार, एक ही बात है, केक आया उसके बाद प्रिंस लिखा हुआ था, देखा एक ही बात है। मतलब ये चाहता है कि मैं सोचूं प्रिंस हर जगह, प्रिंस हर जगह प्रिंस ही होना चाहिए लाइक। कल अच्छा मेरी बात सुनो, आपके भी यहाँ पर कुछ हुआ
till 7 o'clock. Okay, so mere ko bhi lagta hai birth maath hi ho gaya. Thoda late ho jayega. Thoda late ho. Late hua. So last Priyank, I know him because of Vikas, actually. Frankly, I met him for the first time through Vikas. And since then, jab Big Boss mein tha, initially, bahut hi dicey lag raha tha. Then finally, I started supporting him when he came out. That's when we actually met for the first time. And since then, he's a very, very dear friend who's always there to support, you know, you whenever you, you know, you need someone, some support. He's doing jab tum kisi ko apne aankh samne dekhte ho na, maine usko roadies mein dekha hai, you know. मैं उसको जैनेटर था, मतलब मैं उसको हमेशा गाइड करता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो आगे जाए यू नो, अच्छा काम करे. और उसके बाद जो शोज़ मैंने भी किए हैं उसमें वो जब मैं देखता था प्रियान को देखता था, मुझे खुशी मिलती थी कि कोई है जो भी नया चेहरा आ रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है और अच्छा काम कर रहा है. सो हमेशा तुम्हें खुशी मिलती है कि जब तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो लोग बहुत आगे जाते हैं. जैसे मैं अब रमेश भाई को देखता हूँ जब वो मुझे देखते थे, ठीक है, और वो फील अब मैं लेता था कि जब मैं यहाँ पर आ गया था. सो आई वेरी हैप्पी. मैंने तो बता दिया आज हम अगर बच्चे हो तो समथिंग ये बच्चे हिलते हैं को मिलते हैं मैं छोटे तेरा बड़े आया हां. आई थिंक फॉर प्रियंकल भी छोटे तेरा बड़े आया आई थिंक इसने जितना बॉब मार्ली प्रमोट किया है किसी ने नहीं किया. मैं भी आते थे गाड़ी में वीडियो देख रहा था जहाँ पे उससे पूछा कि व्हिच इज द सॉन्ग यू आर रियली हमिंग नाउडेज. सर आपका फास्ट बॉब मार्ली ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं. क्यों? मैंने कहा इतना मैंने कभी अपना गाना प्रमोट नहीं किया जितना तेरा किया. इतने पोस्ट के बनते हैं, मतलब रोज पोस्ट ज्यादा. मैं कर्जों में डूब गया, मैं कर्जों में डूब गया. क्या सही था करा, तेरा भी आ रहा ना तो मैं तेरे को भी डाल दूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा. But the song is very nice. Song is amazing. And your dance. और नहीं प्रमोट कर जाएंगे. Exactly. Shall we good? Thank you. Thank you guys. Thank you. Let's go inside now. Chale, cake kaatte hain. Okay. Done? Thank you. So the bus cab. I love hip hop. I love the culture. That's the theme of the party. ओके रेडी गाइस, लो करना है पहले भी. इसलिए छोटा पीस खाना है, कोई खड़ा खाए ना, हम फिर भी खा के खिलाऊंगा. लोग तेरा अभी वो आज के लिए थैंक यू. अभी बहुत देर हो गया. अरे भाई को भी देना पड़ा, हम भी कब से वेट कर रहे हैं. एक बार इधर दिखाओ. Yeah. I think I'm particularly near celebrating the birthday. We are celebrating your birthday.
जाएंगे एक बार इधर. थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू. पापा यू एंजॉय.